हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई मम्मा डेली लाइफ। तो अभी हम सो के उठे, चाई का छुट्टी था तो सो ही रह गए। पहले नाश्ता की तैयारी करें। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट में है स्वीट कॉर्न। तो ये रहा स्वीट कॉर्न, तो इसे सबको छीलना है। तो स्वीट कॉर्न तो आज यही हमारा ब्रेकफास्ट में होगा। तो चलिए इसको छीले पहले। अब से जब मुसीबत ना उसको छीली नहीं है, तो इसको पहले छीले। और आज घर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अभी यहाँ बारिश हो रहा है तो यह मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको छीले। अभी आइयो और ये सोए हुए हैं, तो ये दोनों भी सोए हुए हैं। अभी हम सबको अच्छा लगता है खाने में, और वो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है, तो चलता है फिर। क्योंकि ये हैवी नाश्ता नहीं करना चाहते हैं, ये हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। क्योंकि 11:30 बजे ये खाना फिर उनको खाना होता है, 12 बजे चले जाते हैं, इसलिए ना हल्का नाश्ता ही करते हैं। तो स्वीट कॉर्न को छीलने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, तो पहले एक लाइन का पूरा दाना निकालने में प्रॉब्लम होता है, फिर बाकी आराम से निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, चाकू से उसे ना आराम से एक एक करके पहले लाइन का दाना निकाल लेते हैं, तो फिर वो आराम से निकल जाता है। तो हम यहीं नीचे में बैठ के छील लेंगे, नहीं तो किचन बहुत गंदा होता है। जो कॉर्न का बाल होता है ना, उससे किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हम यहीं नीचे में बैठ के निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आराम से अब सारा दाना निकल जाएगा। तो जो पैकेट में आता है ना, वो इतना टेस्टी नहीं होता है, उसमें कुछ लिक्विड मिला होता है, तो इतना टेस्टी खाने में नहीं लगता जितना ये टेस्टी लगता है। ये बहुत मीठा लगता है, तो हम यही ज़्यादातर ना स्वीट कॉर्न यही खाते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है, शाम दिखा लिए हैं, तो सुबह से कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि आई को आज पढ़ाने में लगे हुए थे। आई का कल SST का एग्ज़ाम है, तो आई का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज उसका एक चैप्टर कंप्लीट कराने में लगे थे, इसलिए था आई का चैप्टर कंप्लीट कराना। तो आई का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका सारा क्वेश्चन आंसर आई याद कर ली, सब कुछ हो गया। और आज इधर सुबह से बारिश हो रहा है, इतना बारिश हम तो इतने सालों से हम इधर रह रहे हैं, इतना बारिश कभी नहीं देखे थे जितना बारिश आज सुबह से एकदम बहुत तेज बारिश। हम तो कुछ बाहर दिखेगा नहीं, और ये पूरा पेट मेरा दिखा हुआ क्योंकि हम लोग यहीं पर पढ़ाई कर रहे थे। और ये रही आई, तो आई को अभी छुट्टी दिए हैं, तो आई अभी अपन लगी हुई है एक मिनट। अच्छा तो दिखेगा तो नहीं, पर ये देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है बाहर। ओ बिजली चमका, इतना बारिश हो रहा है ना, पूरा हमारा आज सोसाइटी ना पानी से पूरा भर गया है, पूरा भरा हुआ पानी है। ये सब जो देख है ना, ये पानी है, पूरा भरा हुआ पानी है। ओ डर गई, आई डर गई, कोई बात नहीं, नहीं डरते हैं, नहीं डरते। पागल को हम पूरे दिन ना फुल स्लीप कपड़ा पहना के रहे कि अब कपड़े पहन लो, फुल स्लीप ठंडा हो गया। आयु बेटा देखो, मैंने गेट बंद किया ना। हाँ बंद, गेट बंद करना बेटा, एकदम अच्छा आएगा बाहर से। अब तो अब इसको छुट्टी दिए हैं, और समझ नहीं आ रहा खाना क्या बनाए, क्योंकि आई फिर बोल रही है कि भिंडी खाना है उसे, और मेरा भिंडी खत्म हो गया है। तो इतनी बारिश में तो नीचे जा नहीं सकते हैं, सोच रहे हैं खाना क्या बनाए, बन ही जाएगा। और ये देखिए आपको हम दिखा दें इससे, ये देखिए जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं ना, ये ऊपर आ जाता है। इन लोगों को लगता है ना कि खाना हम देने वाले हैं। कितना अच्छा लगता है ना, मेरा कछुआ अब ऊपर जा रहा है वो। तो लाइट बंद कर दे, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इनको लगेगा कि हम कुछ खाना देने वाले हैं, और ये नीचे में खेलते बेचारे रहेंगे। तो
सोचे खाना, क्योंकि 7 बज गया है तो सोचे खाना में क्या बनाए, समझ नहीं आ रहा है कि खाना क्या बनना है, क्योंकि आई बोल रही भिंडी खाना और इतने बारिश में मुझे तो जाएंगे नहीं, बहुत तेज बारिश हुई, पूरे साइड में पानी भर गया है तो जाएंगे नहीं। तो देखते हैं क्या खाना बनाएंगे और जो बनाएंगे आपको हम दिखाएंगे कि आई आज क्या खाती है। तो आई का पढ़ाना भी खत्म हो गया है तो अब चले आई के लिए खाना बना लें। तो इधर तो बारिश आ गया, इधर बारिश नहीं छूट रहा है, बारिश नहीं छूटा, बारिश हो ही रहा है। तो आलू के लिए हम बोले क्या खाओगी, क्योंकि अब तो हम ला नहीं सकते हैं भिंडी तुम्हारे लिए, तो क्या खाओगे, तो बोली छिल्ला बना दो। तो उसके लिए गैस नहीं जल रहा है मेरा, क्या हो गया गैस में, माचिस से जलाना पड़ेगा, हो क्या गया है, पहले जला के देखे क्या हो गया। हो तो लाइटर में कुछ खराबी हो गई, तो छिल्ला हम आटा और चीनी मिला के रख दिए थे, तो उसका फटाफट बना दे, तो कल से हमारा यही डिनर हो रहा है छिल्ला छिल्ला। तो चलो इसके लिए पहले हम बना दें। तो ये देखिए तवा गरम हो गया है, तो उसमें हम बस तेल लगा लें और छुपा के क्यों रखा मैंने, छुपा के क्या रखा मैंने, एक मिनट का फल आराम से ये, तो ये गोल हो गया है भैया, आराम से धीरे धीरे पक जाएगा। तो इसको हम पलट के दोनों तरफ से पका लेंगे, तो आराम से पलटते गया तो ये पक जाएगा, तो आई को हम खिला देंगे। तो आज का हम वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल, बाय।